हेलो, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो मेरा ट्रैवल ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में तीन भाग है। पहले भाग में मैं आपको बताने वाली हूँ माता वैष्णो देवी की यात्रा में ऑनलाइन बुकिंग चार्जेस क्या क्या है, जैसे कि यात्रा पर्ची, आरती दर्शन, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, होटल इत्यादि। दूसरे भाग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इन सब का बुकिंग कैसे करते हैं माता वैष्णो देवी के वेबसाइट पर। और तीसरे भाग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं और आपको वहीं पे कटरा में ही जाके सारा अवेलेबल मिलेगा। पालकी, घोड़ा, पिट्टू, आप ये सब वहीं पे जाके बुक कर सकते हो। इन सब चीजों का वहाँ पे प्रीपेड बूथ है। तीसरे भाग में मैं आपको इन सब चीजों का चार्ज डिटेल में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला भाग। यात्रा पर्ची बिल्कुल फ्री है। प्रति व्यक्ति आरती दर्शन के चार्जेस 2000 है। हेलीकॉप्टर में एक तरफ का जाने का किराया 1800 है। बैटरी कार अर्धकुमारी से भवन तक जाने का चार्जेस 354 रुपए है और भवन से अर्धकुमारी तक आने का चार्जेस 236 रुपए है। वैष्णो देवी बोर्ड के बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जो कि 700 से स्टार्ट होके 2678 तक मिल जाएंगे। पर बेड चार्जेस 100 से 120 तक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आइए अब देखते हैं वीडियो का दूसरा भाग। इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इंटरनेट पे गूगल ओपन कर लीजिए और उस पे वैष्णो देवी टाइप करके सर्च मारिए। सर्च में आपको श्री माता वैष्णो देवी शरीन बोर्ड का लिंक आएगा। आप उस पे क्लिक करके माता वैष्णो देवी के वेबसाइट में आ सकते हैं। आपको उसमें ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे भेंट प्रसाद, ऑनलाइन यात्रा पर्ची, हाउ टू बुक यात्रा पर्ची, ऑनलाइन बैटरी कार, ऑनलाइन डोनेशन। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन यात्रा पर्ची क्लिक करेंगे। आगे आपको माता वैष्णो देवी के गाइडलाइन पढ़ने को मिलेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। फिर आप इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में अकाउंट बनाते हो, बस इसमें भी आपको वैसा ही अकाउंट बनाना है। याद रहे, इसमें कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आप एक यूजर नाम सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। ये यूजर नेम अवेलेबल है, ये अभी आपको दिखा देगा। और इस तरह आप इस वेबसाइट पे लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए। इस वेबसाइट पे लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद आप उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगा। मैंने ऑलरेडी यात्रा पर्ची निकाली हुई है, इसीलिए मेरा डिटेल दिख रहा है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हो, यात्रा पर्ची निकाल सकते हो, आरती दर्शन बुक कर सकते हो, हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो, रूम बुक कर सकते हो, इंडिविजुअल पूजन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन डोनेशन दिखाती हूँ। आप अपनी श्रद्धा से आप कुछ भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यात्रा पर्ची ऑनलाइन कैसे निकालना है। आप यात्रा पर्ची ऑप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद आप डिटेल डालिए आप कितने लोग जा रहे हो और डेट सिलेक्ट करिए। मैंने 20 दिसंबर का डेट सिलेक्ट किया है और आगे देखते हैं। और ये देखो 20 दिसंबर को यात्रा पर्ची अवेलेबल है।
आप बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके बुक कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ओरिजिनल डालनी है। आपके पास जो भी आईडी है उसी के हिसाब से आप इसमें डिटेल डाल सकते हो और इस तरह आप यात्रा पर्ची बुक कर सकते हो और इसके कोई चार्जेस नहीं है। यात्रा पर्ची बुक होने के बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने को मिलेगी। अब आप यहाँ से अपनी यात्रा पर्ची का प्रिंट निकाल सकते हो। ये यात्रा पर्ची का प्रिंट कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आरती दर्शन कैसे बुक करते हैं। पर व्यक्ति आरती दर्शन के चार्जेस 2000 है। आप मॉर्निंग या इवनिंग किसी वक्त का भी आरती दर्शन बुक कर सकते हो। आप जाने का डेट सेलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, बस हो गई आपकी बुकिंग। आप ये देखो 20 दिसंबर को 200 में से 157 स्लॉट खाली है। आप बुक नाउ पे क्लिक करके बुक कर लो। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इसमें रिटर्निंग टिकट भी अवेलेबल है, तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिर्फ जाने का कराना है क्या सिर्फ आने का कराना है या दोनों का। कटरा टू सांधी छत जाने के लिए है और डेट सिलेक्ट कर लीजिए और डेट सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है बुकिंग फुल है, तो फिर आप आगे की डेट के लिए ट्राई करिए। जनरली इसमें 2-3 महीने के बाद ही बुकिंग मिलती है। मैंने 15 फरवरी का ऑप्शन क्लिक किया है, तो देखते हैं क्या है। तो इसमें कुछ स्लॉट अवेलेबल है, पहले आप स्लॉट सिलेक्ट कर लीजिए फिर बुक नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। सर्विस टैक्स लगा के इसका एक तरफ का किराया 1800 है। सारी डिटेल डाल दो आप सही सही, फिर हो गया आपका हेलीकॉप्टर का बुकिंग। आप आने जाने का दोनों का एक साथ बुकिंग करा सकते हो। इसमें रिटर्निंग का टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रिटर्निंग टाइम का ऑटोमेटिक आएगा। आप इसमें देखो सेम डे रिटर्निंग टाइम दिया हुआ है। आप समय पे नहीं पहुंचोगे तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आने जाने का दोनों का प्राइस 3600 रुपए है। अब मैं आगे आपको माता वैष्णो देवी के बोर्ड का होटल बुकिंग का दिखाती हूँ। आप रूम बुकिंग ऑप्शन क्लिक कर लीजिए और डेट सिलेक्ट करके क्लिक कर लीजिए। आपको रूम्स के ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप इसमें देखो ढेर सारे होटल रूम दिख रहे होंगे। ये सारे होटल वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से हैं। आप जम्मू में, कटरा में, भवन के पास, आप कहीं भी उस होटल बुक करा सकते हो। और अगर आपको सिर्फ बेड बुक कराना है तो बेड का ऑप्शन क्लिक कर लो और डेट सिलेक्ट कर लो और आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे जम्मू में, कटरा में, भवन के पास। पर बेड चार्जेस 100 रुपए से 120 रुपए है।
अब मैं आपको इंडिविजुअल पूजन बुक कराने का दिखाती हूँ। इसकी चार्जेस 2100 रुपए है। आप डेट सिलेक्ट कर लो और स्लॉट देख लो। स्लॉट अवेलेबल है तो बुक करा लो। आप घर बैठे ऑनलाइन भेंट प्रसाद भी बुक करा सकते हो। आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और पेमेंट कर दो और हो गया आपका ऑर्डर, जो कि आपके घर डिलीवर्ड हो जाएगा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ बैटरी कार कैसे बुक करते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पे लॉग आउट करना होगा। फिर से आपको माता वैष्णो देवी के वेबसाइट पे जाना होगा और ऑनलाइन बैटरी कार पे क्लिक करना होगा और फिर से आपको लॉगिन करना होगा। मैंने ऑलरेडी बैटरी कार बुकिंग करा के रखा था, इसलिए इस तरह दिख रहा है आपको। बुक नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैटरी कार बुक कर सकते हो। आप डेट सिलेक्ट कर लो और नंबर ऑफ पैसेंजर सिलेक्ट कर लो। जाते वक्त आपको बैटरी कार अदकुमारी से भवन तक मिलेगा, तो चेक करते हैं फिर बैटरी कार है कि नहीं। और ये देखो 217 स्लॉट अवेलेबल है। आप अर्थ कुमारी पहुंचने के हिसाब से बैटरी कार बुक करा सकते हो। और आप ध्यान से बुक करना, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसमें एक पैसेंजर का चार्ज 354 रुपए है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको भवन से अतकुमारी आना है तो कैसे बुक करना है। आपको बहुत सारे स्लॉट मिल जाएंगे, आप स्लॉट सिलेक्ट करके बुक करा लो। मैं सुबह सुबह यात्रा पे निकली थी और रिटर्निंग टिकट शाम में 5:30 बजे का कराया था। मेरे दर्शन में लेट हो गए और रात के 9 बज गए। तो आप लोग ध्यान से रिटर्निंग का बुक कराना। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये टिकट कैसा दिखता है। आप इसका प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लेके जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप फटाफट लाइक का बटन क्लिक कर दो। अब मैं आपको पालकी पिट्ठू और घोड़े का चार्ज बताने वाली हूँ। कटरा से भवन तक पालकी का चार्ज 3,250 रुपए है। और अगर आपको अर्थकुमारी तक ही जाना है तो उसके चार्जेस कम है। और उसी तरह कटरा से भवन तक का चार्ज पिट्ठू का 580 रुपए है। ये साइड में आपको पालकी दिख रही होगी। और कटरा से भवन तक का घोड़े का चार्ज 1,250 रुपए है। और अगर आपको अर्थकुमारी तक ही जाना है तो उसके चार्जेस कम है। आप ये सारी चीजें यात्रा स्टार्ट करने से पहले ही बुक करा सकते हो और यात्रा के दौरान भी करा सकते हो। चार्जेस फिक्स है और हर जगह प्रीपेड बूथ अवेलेबल है। और ये मैं आपको प्रीपेड बूथ दिखा रही हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें सब चीजों का रेट लिखा हुआ है। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।